दादा की जान लेने वाले पुत्र, बहू और पोता फरार। तिरासी वर्षीय वृद्ध राजेंद्र का दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने बैंक लोन चुकाने के वास्ते अपनी पुश्तैनी एक जमीन को बेचने का फैसला कर लिया था, ताकि नोटिस और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। लेकिन अपने वृद्ध पिता राजेंद्र की सेवा टहल करने के बजाय उनसे दूर रह रहे छोटे बेटे लालमन, उसकी पत्नी विमला और पोते संजय को यह बात नागवार गुजरी। इन तीनों ने सुबह सुबह लाठी डंडे से पीटकर और गर्दन दबाकर वृद्ध राजेंद्र की जान ले ली और फरार हो गए। गोरखपुर जनपद के गोला बाजार थाना क्षेत्र स्थित ग्राम सभा डेहरी बार के धौसहर गांव का यह मामला है। घटना को अंजाम देने के बाद पति पत्नी और पुत्र वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना ग्रामवासियों ने गोला पुलिस को दी और तब मौके पर पहुंचे सीओ जगत राम कनौजिया ने गिरफ्तारी के आदेश दिए। उन्होंने पूरी घटना का जायजा लिया। बताया जाता है कि वृद्ध राजेंद्र का एक पुत्र रामबहाल की मौत के बाद उसकी विधवा शीला अपने ससुर और परिवार की देखभाल अकेले ही करती थी। शीला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर हत्यारों की तलाश की जा रही है, तो दूसरी तरफ पूरा गांव इस घटना से सहमा हुआ है। देखते रहिए अमेज नाउ। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर।